दोस्तों 14 करोड़ में बिके दीपक चहर आईपीएल 2022 से हो सकते हैं बाहर। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, और चेन्नई के लिए कितनी बुरी खबर हो सकती है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बुरी खबर है। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी दीपक चहर का इसी माह से शुरू होने वाले आईपीएल के 15वें सीजन में बाहर होने की खबरें आ रही है। अगर यह पेसर किसी तरह से कुछ मुकाबले खेल भी लेता तो इसे बोनस ही माना जाता, लेकिन दोस्तों ESPN और क्रिक इन्फो की माने तो दीपक चहर को वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में खेले गए तीसरे T20 मैच में जारी की गई एक क्वाड्रिक टियर इंजरी हो गई थी, जिसके बाद वह श्रीलंका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज भी नहीं खेल पाए थे। दीपक चहर को उबरने के लिए अभी कुछ हफ्ते और लगेंगे, जिससे उनका आईपीएल के आधे से ज्यादा मैचेस खेलना ना खेलना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स नेशनल क्रिकेट एकेडमी से आने वाली फाइनल फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, जहां दीपक चहर का रिहैब जारी है। 29 साल के दीपक चहर को CSK ने 14 करोड़ की भारी रकम में खरीदा था। यह उस सीजन के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे। दीपक चहर ने बीते कुछ समय में स्विंग बॉलिंग के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी से भी सभी को प्रभावित किया है। श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 69 रन और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 54 रनों की अर्धशतकीय पारी ने उन्हें बेहद ही कीमती खिलाड़ी बना दिया था। आईपीएल का 15वां सीजन 26 मार्च से शुरू हो रहा है, फाइनल 29 मार्च को खेला जाएगा। दीपक चहर ने 2016 में अपना करियर धोनी की कप्तानी वाली राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के साथ शुरू किया था, तब उन्होंने टीम इंडिया के लिए भी यहां पर टीम इंडिया में डेब्यू किया था। उसके बाद पहले उन्होंने 10 लाख की मेगा प्राइस में यहां पर बेस प्राइस पर उनको यहां पर खरीदा था राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने। 2018 के मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने उसे 80 लाख में अपने साथ जोड़ा था, और तब से वो चेन्नई के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इस बार जब उन्हें 14 करोड़ में खरीदा गया तो वो बड़े ही गलत तरीकों से चोटिल हो गए। आपके हिसाब से क्या उनका चोटिल होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।